जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी की बेल का केस सुना जा रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन से बहुत तीखे सवाल पूछे। उन्होंने बार 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 ईडी से एक ही सवाल पूछा कि आपके पास मनीष सिसोदिया जी से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहाँ है? क्या उनके पास पैसा आया? क्या उनके परिवार के पास पैसा आया? क्या उनके से परिवार के या उनसे किसी जुड़ी हुई कंपनी के पास पैसा आया? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा कि अगर मनीष सिसोदिया के पास पैसा पहुंचता हुआ ईडी दिखा नहीं सकती है, तो फिर मनी लॉन्डरिंग का सवाल कैसे पैदा होता है और पीएमएलए लगने का सवाल कैसे पैदा होता है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि जो सारी ईडी की प्रोसिक्यूशन का केस है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अप्रूवर दिनेश अरोड़ा की स्टेटमेंट्स के आधार पर है। इनफैक्ट जब हियरिंग चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया कि अप्रूवर तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कह सकता है, उसकी स्टेटमेंट पर कितना विश्वास किया जा सकता है। जो तीसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने उठाई, उन्होंने स्पष्ट तौर से बार बार ऑब्जर्व किया कि पॉलिसी मेकिंग कोर्ट के परव्यू में नहीं आती है। पॉलिसी मेकिंग में अगर लॉबिंग हुई भी तो लॉबिंग इलीगल नहीं है। जब तक क्विड प्रो क्वो एस्टैब्लिश नहीं होता कि पैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में गए और जिस व्यक्ति के हाथ में गए उसने उस ब्लैक के पैसे को वाइट करने की कोशिश की, यानी मनी की लॉन्डरिंग की कोशिश की, तब तक पीएमएलए लागू नहीं होगा, तब तक कोई गुनाह नहीं होगा। इन तीखी ऑब्जर्वेशंस के बावजूद आज कोर्ट ने एक विपरीत ऑर्डर दिया है। जो सारे मुद्दे कोर्ट ने बार बार खुद उठाए, आज ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने बेल मनीष सिसोदिया जी को नहीं दी है। इसलिए अब हम जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो शायद अभी थोड़ी देर पहले अपलोड हुआ है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, उस ऑर्डर को हम स्टडी करेंगे। उस ऑर्डर में जो भी सारे कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं, उसको आम आदमी पार्टी, हमारे सारे वकील गहराई से देखेंगे और जो सारे लीगल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, उनके आधार पर हमारे नेक्स्ट स्टेप्स को डिसाइड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उस सम्मान को करते हुए भी हम बहुत सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उस निर्णय से असहमत हैं और उस निर्णय को लेकर आगे क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसको बिल्कुल एक्सप्लोर करेंगे। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार चली है और आज भी चल रही है, आज तक एक रुपए के भ्रष्टाचार में भी कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता शामिल नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी ईमानदार थी, ईमानदार है और ईमानदार रहेगी। और मुझे आज भी इस बात पे पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी पे कितने केसेस होते रहे, लेकिन आखिरकार एक भी पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं आएगा, क्योंकि ना आम आदमी पार्टी ने कभी भ्रष्टाचार किया है, ना कभी भ्रष्टाचार करेगी। धन्यवाद। मैम, लेकिन 338 करोड़ रुपए का एक नया आंकड़ा देखने को मिल रहा है। आर्गुमेंट के दौरान 338 करोड़ का कोई रेफरेंस नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है उसी आधार पे बेल रिजेक्ट हुआ। देखिए, ये 338 करोड़ क्या है, ये तो एक बार ही ऑर्डर आएगा तो उसको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने खुद उठाया था कि ये पैसा मनीष सिसोदिया के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्या उनके पास पहुंचा, क्या उनके किसी परिवार के व्यक्ति के पास पहुंचा, या उनके या उनकी किसी परिवार से जुड़ी हुई किसी कंपनी के पास पहुंचा, ये सवाल, इस सवाल का जवाब तो आज भी वही है, क्योंकि ईडी के अपने आरोपों में भी
मनीष सिसोदिया के पास कोई भी पैसा पहुंचते हुए वो नहीं दिखा रहे हैं। तो ये 338 का फिगर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट की बहस में नहीं आया था आज तक। और ये 338 करोड़ का मनीष सिसोदिया जी के साथ क्या लिंक है, इसको भी एक बारी ऑर्डर देख के समझना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, चाहे कितने भी आरोप ईडी सीबीआई दिल्ली पुलिस लगा ले, कोई भी सबूत साबित नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ना आज तक एक रुपए का भ्रष्टाचार किया है ना करेगी। लेकिन देखिए, ये जो पूरा मामला है, इसमें आप पर आरोप लग रहे हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब आपके शीर्ष नेतृत्व यानी मुख्यमंत्री की ओर इशारा कर रहे हैं कि उनके भी जेल जाने की बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कोई उनका विरोध ना करे, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कोई उनके ऊपर सवाल ना उठाए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कोई उनके भ्रष्टाचार को उजागर ना करे, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो पिछले दरवाजों से चुनाव जीते, क्योंकि वो ईडी और सीबीआई का प्रयोग करते हुए अपने सभी विपक्षियों को खत्म करते। आज अगर आप देखिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, जो कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी है, उनके खिलाफ पूरे सरकारी तंत्र का ऊपर से नीचे तक प्रयोग किया जा रहा है। ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से एजेंसीज का इस्तेमाल करके सभी विपक्ष की पार्टियों पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं, ये ऐसी ही बात मीनाक्षी लेखी जी ने संसद में कही थी, जब संसद में दिल्ली सर्विसेज बिल पर बहस चल रही थी और विपक्ष के किसी नेता ने सवाल उठाया था, तो उन्होंने तो सदन में ही बोल दिया था कि अब आपकी ईडी में अरेस्ट होने की बारी है, अब आपकी जेल जाने की बारी है। ये भारतीय जनता पार्टी के सत्ता का अहंकार है, लेकिन इस सत्ता के अहंकार का जवाब देश की जनता देगी।